नमस्कार पेरेंट्स, आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें दो बच्चों का हमने प्रैक्टिकल सेशन दिखाया है. एक लड़की जिसको मॉडरेट टू सिवियर ऑटिज्म है और एक लड़का जिसको सेरेब्रल पैल्सी है. उनके साथ हम बहुत टाइम से काम कर रहे थे और अब जाके हमें जो स्पीच में थोड़ी सक्सेस मिली है ये उसका वीडियो है. अब ये बच्चे रिपीट भी कर रहे हैं और समझ के कॉम्प्रिहेंड करके बोल भी रहे हैं, ये इस वीडियो में दिखाया है. आप ये वीडियो देखिए और फिर मैं आपको इन बच्चों की जर्नी, उनपे की हुई मेहनत, कितना टाइम उनपे हमने लगाया, पेरेंट्स ने कितना काम किया, उसके बारे में बताऊंगी. नमस्ते समीक्षा. नमस्ते. हाँ बोला था सलाइन. विच कलर? येलो. येलो बोल. येलो येलो बोल समीक्षा. वेरी गुड. जोरात बोल. येलो. येलो. वेरी गुड. हाँ समीक्षा, विच कलर बाबू? येलो. ब्लू. ब्लू समीक्षा. ब्लू. येलो. ब्लू. बोल बड़ा. ब्लू. ब्लू. वेरी गुड. विच कलर समीक्षा? ग्रीन. ग्रीन. वेरी गुड. विच कलर? पिंक. पिंक. ओके समीक्षा बोल. पिंक. हाँ बोला बोला. फ्राई. बस बोल बोल बोल. फ्राइडे. फ्राइडे. बोल बाबू. फ्राइडे. बोल. फ्राइडे. सैटरडे. समीक्षा. हाँ हाँ. बोला बोला. वेरी गुड. संडे. संडे. बोल. संडे. वेरी गुड. ओके अभी नंबर्स बोल. वन. वन. टू. थ्री. Ten. Very good.
माझे, बोल बाबू बोल, बोल माझे नाव, नाव ना 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 हाँ झाल बाबू काउंटिंग झाली, माझे माझे आही आहे, बोला बोला बोल बाबू, आही आहे, बोलो आहे। समीक्षा हे काय आहे मैदान, हे काय आहे बोल, भाजी बाल, वेरी गुड समीक्षा, हे काय आहे हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टोमेटो टोमेटो, टो समीक्षा नेक्स्ट नेक्स्ट बगा बगा बोला 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 दीदी, बटाटा बोल बाबू बोल, बस ना बोल, बोल बटाटा, हां बटाटा बोल बाबू बटाटा। समीक्षा समीक्षा बन, कौन कौन अली, पीहू पीहू बस अप्पो, करा द, अच्छा स्लो कर कर कर, फास्ट बोल, स्लो बोल 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 समीक्षा, स्लो कर 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 कर, फास्ट, वेरी गुड, जो सा नमस्ते पेरेंट्स, ये जो वीडियो आपने अभी देखा इसमें जिस लड़की के साथ हम ये थेरेपी कर रहे हैं, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सिवियर ऑटिज़म, सिवियर ऑटिज़म है उसे, वो ऑलमोस्ट बहुत टाइम से उसके पेरेंट्स अलग अलग जगह पे थेरेपी करा रहे हैं, हमारे साथ भी वो काफ़ी टाइम से है, बट वो कभी भी वोकल नहीं हुई, उसने बोला नहीं, उसको चीज़ें समझती हैं कॉम्प्रिहेंड कर रही है ये हमें पता है, इंस्ट्रक्शंस कभी फॉलो करती थी कभी नहीं करती थी, लेकिन हम उसे कुछ बुलवाना चाहते थे तो वो बोलती नहीं थी। बट एक फेथ के साथ हम लोग भी काम करते रहे उस बच्चे के साथ, और एक दिन ये रिंग्स की हेल्प से, इट वॉज़ जस्ट एक कोइंसिडेंस था कि हमने रिंग उठा के अपने मुँह के सामने रख के बोला, और उस चीज़ ने उसका बोलना स्टिमुलेट कर दिया।
उसने रिपीट करना शुरू कर दिया जो चीज़ें हम बोल रहे थे, वो 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट 60% वो रिपीट करने लग गई क्लास में जब वो थेरेपी के लिए आती थी वहाँ पे। एंड अपनी मदर के साथ उसने थोड़ा एक्सप्रेसिव स्पीच, जहाँ वो सामने से चीज़ें डिमांड कर रही है, ये दे दो, वो चाहिए, ऐसी स्पीच भी उसने शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ अपनी मम्मी के साथ, हमारे साथ नहीं करती और किसी के साथ नहीं करती। बट दिस वॉज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस, हमारे लिए भी और उन पेरेंट्स के लिए भी, ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिला जो इतने सालों से बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। और क्या चीज़ बच्चे को क्लिक कर जाएगी, किस चीज़ से वो इम्प्रूव कर जाएगा, स्पेशली इन ऑटिज़म हम बोल नहीं सकते कि ऐसा क्या होगा कि बच्चा प्रवोक हो जाए बोलने के लिए। इसलिए पेरेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डोंट लूज़ होप, बिकॉज़ वी रियली डोंट नो, हमें नहीं पता कि कब हमारा बच्चा रिज़ल्ट देना शुरू करेगा। एक माँ जो अपने बच्चे के साथ काम कर रही है, वो हर रोज़ निराश होती है जब उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो ठीक है, वो निराशा स्वाभाविक है। लेकिन जब आप अगले दिन उठते हैं तो वापस आशा के साथ, जोश के साथ उठिए और एक श्रद्धा के साथ काम कीजिए कि मैं अपने बच्चे में जो एफर्ट डाल रही हूँ, थोड़ा 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 दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, वो कभी ना कभी मेरे बच्चे पे रिज़ल्ट देगा। ऑटिज़म एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन है, स्पेशली मॉडरेट टू सिवियर ऑटिज़म में रिज़ल्ट्स देना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट प्लीज़ डोंट लूज़ होप, दिस ये बच्चा एक जीता जाता एग्ज़ाम्पल है आपके लिए। हम खुद इतने सरप्राइज हो गए थे कि ये लड़की बोली, एंड फिर जब इसकी मदर को बताया और उन्होंने फिर हमें बताया कि अब वो हम मेरे से एक्सप्रेसिव स्पीच भी में भी बात कर रही है। एक्सप्रेसिव स्पीच से मतलब थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन, कि माँ कुछ पूछती है तो वो जवाब देती है, वो माँ से सवाल करती है, वो माँ से मांगती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन दिस चाइल्ड। एंड जो दूसरा एक लड़का जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही इस वीडियो में था, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, उसको सेरेब्रल पैल्सी है। तो जब वो आया था, बोलना और एक्टिविटी करना वो हमारा एम ही नहीं था। हमारा एम था कि उसको हम ठीक से पहले बैठाएं, उसका पोस्चर ठीक करें, उसको लंबे समय तक बैठने की आदत डालें। वो लड़का 3 साल से हमारे पास आ रहा है, 3 साल से हम और उसकी मदर फादर उस पर काम कर रहे हैं। अब जाके पिछले आप कह सकते हैं दो महीने से उस लड़के ने समझ के बात करना शुरू कर दिया है, वो बैठ पाता है। 2-2.5 घंटे की क्लास वो लड़का अटेंड करता है, एक जगह टिक के बैठता है। बिहेवियरल इश्यूज उस बच्चे के बहुत कम हो गए हैं, जो एग्रेशन था, दूसरों को मारना, माँ को मारना, वो अभी बिल्कुल नहीं है। वो एक ग्रुप में बैठने के काबिल बन गया है, चीज़ें समझता है, उसे पता है जब कोई मिलने आए तो गुड मॉर्निंग बोलो, नमस्ते बोलो, अगर टीचर गुस्सा कर रही है तो सॉरी बोलो, टीचर जो मैं इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि ये दो तो तुरंत देता है। जो चीज़ें हम रिपीटेडली उसे करा रहे हैं, अब वो समझ के करने लग गया है। पहले क्या समझता था हमें नहीं पता, लेकिन अब वो कॉम्प्रिहेंड करने लग गया है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक बच्चे ने मुझे मारा तो मैं रोने की एक्टिंग कर रही थी, मैंने कहा करके मैं एक्टिंग कर रही थी, तो इस लड़के ने तुरंत बोल दिया सैड। तो अब मुझे समझ गया कि जब मैं इसे ऑपोजिट्स कराती हूँ, मैं इसे बताती हूँ हैप्पी एंड सैड, तो अब इसे समझ गया है कि सैड का मतलब क्या होता है। अब इसे काउंट करने को हम बोलते हैं तो वो खुद से काउंट कर पड़ता है। सो व्हाट इन, ये वीडियो दिखाने का मेरा सिर्फ यही एम था पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि प्लीज़ डोंट लूज़ होप, बच्चे रिज़ल्ट देंगे, आप दिन प्रतिदिन अपना थोड़ा थोड़ा एफर्ट आप बच्चे में डालते जाइए, वो बच्चा कब कर लेगा आपको पता नहीं चलेगा।
और अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कुछ तो रिजल्ट दे हमारे बच्चे पे। वो आएगा, वो दिन भी आएगा, बट उसके लिए हमें लगे रहना पड़ेगा। सो आशा से, होप के साथ, एक श्रद्धा के साथ अपने बच्चे के साथ काम कीजिए और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ बच्चे जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, कुछ को सालों लग जाते हैं, लेकिन हर बच्चा रिस्पॉन्स देता है। सो पेरेंट्स, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ डोंट लूज होप, एंड आई होप इन दो बच्चों को देख के आपको थोड़ा मोटिवेशन और पॉजिटिव इनकरेजमेंट मिली होगी टू गो अहेड एंड वर्क विथ योर चिल्ड्रन। काम कीजिए और भगवान ज़रूर आपकी मदद करेगा। विजयी भव तथा अस्तु।